Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear student, today we are going to start topic number 3 of chapter number 2. In the last class, we have studied about structure of cell. So, did you remember what I had told you in the last class? What is the main parts or what are the main parts of a cell? Yes, three parts. Number 1. Cell membrane, number 2 cytoplasm, and number 3 nucleus. कल ये सारी गुफ्तगु हुई थी और उसके बाद उसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया था कि सेल मेम्ब्रेन तमाम सेल में ही होती है, लेकिन बास सेल ऐसे हैं जिनमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक इजाफी स्ट्रक्चर होता है और वो है सेल वॉल. कौन कौन से सेल में होती है? ये प्लांट सेल में होती है और उसके साथ साथ बैक्टीरियल और फंगल सेल में भी है. तो आज इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर, इसकी साख कैसी होती है और थोड़ी सी इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन भी पढ़ेंगे बिल्कुल इब्तदाई तौर पर कि कौन से केमिकल की बनी होती है, और इसे प्लांट सेल में देखेंगे कि ये किस जगह मौजूद होती है और स्ट्रक्चर के लिहाज से किस तरह नज़र आती है. शुरू करते हैं. सेल वॉल. सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल्स एंड फंगल सेल्स. यानी सेल वॉल प्लांट सेल के बाहर भी होती है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसकी, सबसे बैरूनी दीवार है, और बैक्टीरियल सेल्स के बाहर भी होती है और फंगल सेल. तीनों में सेल वॉल पाई जाती है. एनिमल सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होती, लेकिन ये जो तीनों में पाई जाती है, तीनों की केमिकल कॉम्पोजिशन में फर्क होता है. हमें इस क्लास में 9 में सिर्फ प्लांट सेल के बारे में पढ़ना है कि प्लांट सेल की सेल वॉल किस तरह की होती है. सेल वॉल इज द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल. सेल वॉल प्लांट का नॉन लिविंग पार्ट है. उसके बाद सेक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म. सेल के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ होता है या सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो सारा का सारा मटेरियल है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और उसके अंदर पाए जाने वाली लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तमाम चीजें मिला के जो पूरा का पूरा उसका वॉल्यूम है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है. एक्चुअली सेल जो है वो प्रोटोप्लाज्म का एक छोटा सा कतरा है, बिल्कुल बारीक सा. तो उसी प्रोटोप्लाज्म से ये सेल वॉल बनती है, लेकिन बनने के बाद जब जैसे जैसे बनती जाती है तो ये नॉन लिविंग बनती है, एक नॉन लिविंग दीवार है. अब प्लांट सेल में ये कौन से केमिकल से बनी होती है? मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन. पेक्टिन का पूरा नाम कैल्शियम पेक्टेट है. क्या नाम है? कैल्शियम पेक्टेट, शॉर्टली वी कॉल इट पेक्टिन. तो प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है उसमें जो सबसे ज्यादा केमिकल होता है वो सेलुलोज है. कौन सा केमिकल है? सेलुलोज. ये मैंने इसको हाईलाइट किया है, आप भी अपने नोट्स में इसको हाईलाइट करेंगे कि प्लांट की जो सेल वॉल है उसमें मेजर कॉम्पोनेंट कौन सा है? सेलुलोज. इसे हाईलाइट करने की वजह यह है कि आपको याद रहे, बाद में आप जब भी इसको देखें तो आपको पता रहे कि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, क्योंकि ये बात ऑब्जेक्टिव में इम्तहान में पूछी जाती है कि प्लांट सेल वॉल किससे बनी होती है. तो वहाँ सेलुलोज को मेंशन क्यों किया जाता है? क्योंकि वो मेजर कॉम्पोनेंट सेलुलोज है. ठीक है, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसा है, साख्त कैसी है? तो ये 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स. नंबर 1 प्राइमरी वॉल, नंबर 2 सेकेंडरी वॉल एंड नंबर 3 मिडिल लैमिना. नंबर 1 प्राइमरी वॉल, नंबर 2 सेकेंडरी वॉल एंड नंबर 3 मिडिल लैमिना. तो प्लांट सेल में इसकी प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडिल लैमिना की अरेंजमेंट क्या है, ये मैं आपको बोर्ड पर बना के दिखाता हूँ. अरेंजमेंट क्या है तो इधर बोर्ड पे आप ये फॉर एग्जांपल एक प्लांट सेल अभी जो हमने ड्रॉ की है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, पहले अंदर न्यूक्लियस बना देते हैं और एक वैक्यूल भी बना देते हैं ताकि प्लांट सेल मदर है. अब ये 3 जो लेयर्स हैं सेल वॉल की, 3 लेयर्स जो हैं इनकी अरेंजमेंट क्या है? तो सबसे पहली जो लेयर होती है
जो सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल साथ होती है, सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल साथ साथ होती है। मैं इसको दूर बना रहा हूँ, बिल्कुल चिपकी हुई होती है। ये देख रहे हैं आप ब्लू कलर से जो मैंने ड्रॉ किया है, थोड़ा सा इसको और मोटा कर देते हैं ताकि आपको इमेज में नजर आए। तो ये सबसे पहली लेयर जिसके साथ बिल्कुल चिपकी हुई होती है, तो इसे हम बाहर से काउंट करना शुरू करते हैं, इसलिए ये कहलाती है सेकेंडरी वॉल। ये कौन सी है? सेकेंडरी वॉल। और इसके बाहर कौन सी लेयर आएगी? इसे भी मैंने थोड़ा सा दूर हटा के बनाया ताकि आपको नजर आ जाए, ये सेकेंडरी वॉल के साथ चिपकी हुई होती है। तो ये कहलाती है प्राइमरी वॉल। कौन सी कहलाती है? ये प्राइमरी वॉल। बाहर से काउंट करते हैं तो प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, सेल मेम्ब्रेन। बात समझ में आई? ठीक है, प्राइमरी वॉल ग्रीन वाली और ब्लू, सेकेंडरी वॉल और उसके साथ सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद मिडिल लैमिला, ये दो सेल्स के दरमियान आपस में जब दोनों सेल मिलते हैं ना, तो उन दोनों की जो प्राइमरी वॉल है उसके दरमियान मौजूद होती है। ठीक है, दो सेल जो आपस में मिले होते हैं उनके दरमियान होती है, उन दोनों की जो प्राइमरी वॉल्स है उनके दरमियान होता है ये मिडिल लैमिला। तो तीनों की अरेंजमेंट समझ में आई? बाहर से देखें तो यहाँ मिडिल लैमिला सबसे ऊपर आएगा, उसके बाद सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल और सेल मेम्ब्रेन। अंदर से अगर देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन, सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल, मिडिल लैमिला। ठीक है, इस तरह आप सेल प्लांट सेल के बाहर जो सेल वॉल की तीनों लेयर्स हैं वो आपको नजर आएंगे। अब सेल के लिए ये सेल वॉल क्या काम करती है, इसका फंक्शन क्या है सेल में, वो भी यही लिखा हुआ है, मैंने मुख्तसरन लिखा है, आपके सामने आपके नोट्स खुले हुए होंगे उसमें आप देख सकेंगे। ये पेज नंबर 17 पर है। अभी सिर्फ बोर्ड पर देखें, मैंने इसमें जो मेन पॉइंट्स है सिर्फ वही शो किए जो मेन इसमें चीजें हैं। सबसे पहला काम, ये प्लांट सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सहारा देती है। दूसरा काम, प्रोटेक्शन, हिफाजत करती है। तीसरा काम, प्लांट सेल का या बैक्टीरियल सेल का या फंगल सेल का जो मखसूस शेप होता है वो सेल वॉल की वजह से ही होता है। और सबसे आखिरी काम, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कि ये परमीएबल होती है, यानी इसके अंदर से मुख्तलिफ मटीरियल्स जो सेल को अंदर दरकार है वो अंदर आ सकते हैं, और जो वेस्ट मटीरियल है ये चीजें सेल से बाहर भेजनी है तो इस सेल मेम्ब्रेन से गुजर के, सॉरी सेल वॉल से गुजर के बाहर जा सकती है। ये मुकम्मल तौर पर परमीएबल होती है, यानी तमाम पार्टिकल्स को अपने अंदर से गुजरने देती है। तो आज का हमारा टॉपिक था सेल वॉल, उसकी कुछ चीजें बातें दोबारा से रिपीट करते हैं। सबसे पहली बात कि सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स एंड फंगल सेल। कैसी होती है ये? नॉन लिविंग पार्ट है, सेक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म से बनी होती है। प्रोटोप्लाज्म से खारिज होती है या निकलती है, जो उससे केमिकल निकलते हैं उससे बनती है। उसके बाद प्लांट सेल में जो सेल वॉल है उसका मेजर कंपोनेंट क्या है, कौन सा केमिकल है? सेलुलोज। ठीक है, ये मैंने बताया पॉइंट नंबर 2 इम्तिहान में पूछा जाता है कि प्लांट सेल वॉल कौन से केमिकल से बनी होती है। उसके बाद तीसरी बात, इसका स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ थ्री लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। बाहर से देखें तो मिडिल लैमिला, उसके बाद प्राइमरी वॉल, फिर सेकेंडरी वॉल और फिर सेल मेम्ब्रेन। मिडिल लैमिला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल, ये तीनों लेयर्स की अरेंजमेंट है। और इसका काम सपोर्ट, प्रोटेक्शन, शेप एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सेल वॉल के बारे में मुख्तसर गुफ्तगू थी, और हमारे लिहाज से मुख्तसर ही है, आपके लिहाज से बड़ी ज्यादा हो सकती है क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। तो मुख्तसर गुफ्तगू है, इसे आपने आपको याद करना है, सवाल इससे मुताबिक आपको क्वेश्चन बैंक में बना हुआ आपको मिल जाएगा, आपको याद करना है। उसमें बिल्कुल लिखने की जो अरेंजमेंट है वो वही होगी, यानी आंसर देने का जो स्टाइल है वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा आपके नोट्स में लिखा हुआ है। तो नोट्स में जो टॉपिक मौजूद है पेज नंबर 17 पे, तो जैसा ये टॉपिक वहाँ बना हुआ है पूरा आप वैसे ही याद कर लें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो आज के लिए इतना ही बस, अगली क्लास में इंशाल्लाह सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह हाफिज़।